अपने ऑरा को नया लुक मिलने वाला है। ये सारे पार्ट्स है ना, एक एक करके मैं अलग अलग तरीके से गिव अवे करूंगा। तो ये हमारी अमू मैडम करने जा रही है इसको अनबॉक्स। ये सारे प्रोडक्ट मुझे भेजे साइगा पार्ट्स ने और गाइस पूरी उन्होंने मोटो जीपी रेसिंग किट डेवलप की है और उनको 2 साल लगे ये किट डेवलप करने के लिए। मतलब आप सोच सकते हो कि उसकी फिट एंड फिनिश कितनी अच्छी होने वाली है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। तो वीडियो को एंड तक देखना और आपको अभी एक एक प्रोडक्ट अनबॉक्स करके दिखाते हैं। आपको पता है ये यूएसडी फोक्स वाला लुक देंगे, ये जो अपने स्टॉक अंडरवियर आते हो कितनी सी आपको पता रहेगा। और ये देखो, अरे स्पेशली तेरे लिए भेजा है, बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बाहर से बनाया गया है, ऐसा लग रहा है कि पूरा कंपनी फिट प्रोडक्ट ही है। तो हम लोग सबसे पहले लगा के देखते हैं कि कैसा लुक आता है इसको लगाने के बाद। लुक कुछ ऐसा आ रहा है, ये लगने के बाद कुछ ऐसा शार्प सा लुक आने वाला है। तो मोटो जीपी रेसिंग किट अपनी R15 V3 के लिए घर पे एक पार्सल रिसीव हुआ है, मतलब हमने ऑरा के लिए कुछ मंगाया था। फटाफट से घर पे चलते, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। फटाफट घर पे चलते और उसको अनबॉक्स करते। सो गाइज, ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स है जो अपने ऑरा पे लगने वाले। सो गाइज, अपने ऑरा के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट्स अपने पास आ रखे, तो सारे प्रोडक्ट हम लोग इंस्टॉल करने वाले। और हम लोग 3 दिन से घर पे नहीं आए, तो अब घर जा करके बॉक्स ओपन करेंगे। तो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये सारे पार्ट्स अनबॉक्स करने के लिए और देखने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक अनबॉक्स किया नहीं है। मैं चाहता था कि आपके सामने, ठीक है तू करना, पर मैं चाहता था कि आपके सामने अनबॉक्स करूँ और रिएक्शन कैप्चर करूँ। अपने ऑरा के लिए बहुत सारे पार्ट्स मंगाए हुए हैं और क्या क्या पार्ट्स है वो सब कुछ आपको अभी पता चलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। चले अनबॉक्स करें। तो ये हमारी अमू मैडम करने जा रही है इसको अनबॉक्स। नंबर वगैरह हमने हटा दिया है, बॉक्स अभी तक ओपन नहीं करा हुआ। बच्चे वगैरह आके और अगले साल तक अपने ऑरा को पूरा नेक्स्ट लेवल तक मॉडिफाई करना है। अगले साल मतलब आप ये वीडियो देख ही रहोगे शायद अगले साल को, आई मीन 1 तारीख को। और वैसे आज तारीख क्या है, आज 30 है। आज 30 है, आज 30 है। तू कल यहाँ पे आ रहा है ना फिर? हाँ जाऊंगा। तो यहाँ पे आ रहा ना ना, न्यू ईयर तो देर साथ ही बना। ये कटर से मत कर, ये बॉक्स और आगे चावी से ऐसे बाइकर स्टाइल से अनबॉक्स करना चाहिए चावी के साथ। यार मोहब्बत है कि नहीं थोड़ा तुम्हें? तो गाइस, ये रहा हमारा बॉक्स, इसके अंदर साथ में होंगे। ऐसे कैसे, पैकेजिंग काफी अच्छी दी हुई है। अब रहा नहीं जा रहा, बॉक्स में बॉक्स बॉक्स में बॉक्स, इतने सारे बॉक्सेस, हर एक प्रोडक्ट एकदम अच्छे से पैकिंग में बॉक्सेस में आया हुआ। ये ट्रिपल कनाड है साइड का फेस का। और सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा मेस पड़ा हुआ है, बट ध्यान मत देना, अब घर के अंदर थोड़ा संभाला नहीं जाता हमें। मैं काम करूंगी तो ही होता है। कितना अच्छा पैकिंग है ना, मेन तो बबल रैप करा है जिसके वजह से डैमेज ना हो प्रोडक्ट। ये देखो, ये फर्स्ट पीस हमने खोला हुआ अपने ऑरा के लिए, फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी और कितना लाइट वेट है ना। ये अच्छा है कि बाइक का वेट ज्यादा गेन नहीं होगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कलर फिनिश भी बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे ना, सब पे 3M टेप भी दी हुई है, तो डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं अपने बाइक के साथ, तो काफी सही लग रहा है। तो गाइज, ये सारे प्रोडक्ट मुझे भेजे साइगा पार्ट्स ने और गाइज, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है और पूरी उन्होंने मोटो जीपी रेसिंग किट डेवलप की है और उनको 2 साल लगे ये किट डेवलप करने के लिए। मतलब आप सोच सकते हो कि उसकी फिट एंड फिनिश कितनी अच्छी होने वाली है। और मुझे ना यार अपने ऑरा के लिए ना कुछ अलग करना था, लाइक अभी R15 V4 आ चुके हैं आपको पता है, और R15 V4 बहुत ज़्यादा अच्छी भी दिखती है, तो अब V3 ना थोड़ी पुरानी पुरानी लगने लग गई थी, बट अब ये सारे पार्ट्स डालने के बाद ना बाइक का लुक जो है नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आपको। तो वीडियो को एंड तक देखना और आपको अभी एक एक प्रोडक्ट अनबॉक्स करके दिखाते हैं। और क्या मिला है अमू मैडम, ये सेकेंड प्रोडक्ट अपना शॉकअप कवर आया हुआ है, ये साइगा पार्ट्स का लोगो, ये उनकी ब्रांडिंग काफ़ी प्यारी है। ये भी अपने को भी रॉबर्ट रेल के लिए ऐसा अच्छा सा स्टिकर डेवलप करना है, बनाना है। ये क्या है, स्टेयरिंग कवर है यार, कितना प्यारा लग रहा है ये भी। मतलब मेन चीज मुझे क्या अच्छा लगा है ना, इसकी जो फिनिशिंग है ना जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और मेन तो इसका कलर फिनिश भी इतना ज्यादा अच्छा है। प्री पेंटेड आए हुए मैं, कुछ भी पेंट वेंट नहीं कर रहा इन पे, सो इनकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। लाइक इनकी कटिंग्स भी इतनी अच्छी है कि बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बाहर से बनाया गया है, ऐसा लग रहा है कि पूरा कंपनी फिट प्रोडक्ट ही है। मेन चीज़ तो यही मुझे लगी, ये प्री पेंटेड आया, हमें पेंट वगैरह करना नहीं पड़ रहा, उसमें क्या हो जाता है ना पेंट अलग हो जाता है। और शॉकअप कवर गोल्डन कलर के, तो आपको पता है ये यूएसडी फोक्स वाला लुक देंगे, ये काफी प्यारे दिखेंगे। और ये अनबॉक्स हो रहा है अपना विंगलेट, नया वाला विंगलेट अपने ऑरा के लिए, मतलब इसकी कटिंग्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और 3M टेप भी पहले से दी हुई है, तो कुछ भी आपको ड्रिल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, और ये 3M टेप काफी अच्छे से पकड़ती है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी होल वगैरह मारने की अपनी बाइक को, प्यारा लग रहा है। आपको हर प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे स्टिकर्स मिलने वाले हैं और कुछ स्क्रूज वगैरह भी मिल रहे हैं प्रोडक्ट फिट करने को, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली है अपना फॉग लैम्प के लिए गाइज, मतलब आपको पता है कि जो अपना
R15 के ऊपर जो मास्क है वो लगाने के बाद ना लाइट बहुत कम हो जाती है, तो ये लगाने के बाद मैं अपने एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स ऐड कर पाऊंगा बाइक के नीचे बिना किसी अल्टरेशन के, बिना कोई स्क्रू वगैरह लगाए मैं डायरेक्टली इसमें लगा पाऊंगा। काफी बड़ा बॉक्स है, इसमें क्या रहने वाला है, अंडरबेली होगा है ना, इतना बड़ा बॉक्स देख के मैं समझ गया था अंडरबेली होगा। अब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है फिलहाल यहाँ पे, तो छोटा बोल रहे हैं। घर छोटा नहीं है, प्रोडक्ट इतने ज्यादा है कि जगह कम पड़ रही है, तो मुझे एक बड़ा घर लेके देगा। अरे यार, जो अपनी स्टॉक अंडरबेली आती है वो कितनी सी है आपको पता रहेगा, और ये देखो कितनी बड़ी है। इतने से ही बॉक्स ओपन हुए और इतने सारे प्रोडक्ट निकल चुके हैं और इतने सारे बॉक्स ओपन होने बाकी है। सो भी क्या करते हैं ना, फटाफट से सारे बॉक्स ओपन करते हैं और आपको सारे प्रोडक्ट दिखाते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट आए हुए हैं और क्या क्या हम लोग अपने ऑरा पे लगाने वाले हैं और कैसा लुक आएगा, वो तो आपको आगे पता चलेगा। तो ये पूरी सीरीज होने वाली है, तीन से चार वीडियो बनेंगे। सबसे अच्छी बात है ना, इन्होंने जो स्क्रूज जो पेंट वगैरह करके स्क्रूज और नट्स जो भी लगने वाले ना, सब कुछ इन्होंने पहले तो प्रोवाइड किया है और साथ में अच्छे कलर के साथ भी प्रोवाइड करा है, सो जिसके वजह से फिनिशिंग काफी अच्छी दिखने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं लगने वाला कि कोई पार्ट हमने जबरदस्ती ऐड करा हुआ है, तो फटाफट इन सबको ओपन करते हैं और वीडियो के एंड में आपके लिए भी एक सरप्राइज रहने वाला है, सो वीडियो के एंड तक बने रहना। हाँ, इतनी बड़ी गाड़ी है मेरी, पर जो स्टॉक अंडरबेली आती थी वो इतनी सी आती थी, अब ये वाली इतनी एक्सटेंड हो रखी है, तो क्या लुक आने वाला है इमेजिन करो। One hour later. भाई ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट अनबॉक्स हो रखे हैं और ये लास्ट प्रोडक्ट अनबॉक्स हो रहा है, देखते हैं ये कैसा है। ये स्पॉइलर है, ये लोअर स्पॉइलर है बाइक के ऊपर, मुझे कुछ भी एडिशनल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, डायरेक्टली मैं फिट कर पाऊंगा ये सारे प्रोडक्ट। हाँ, सो काफी प्यारा लग रहा है ये प्रोडक्ट भी, और एक प्रोडक्ट अनबॉक्स करना बाकी है। ये आखिरी प्रोडक्ट है जो अनबॉक्स करना बाकी है और हम इसको अनबॉक्स करेंगे अभी। ये हमों के लिए स्पेशल मैंने रखा हुआ है। अरे स्पेशली तेरे लिए भेजा है, नहीं चाहिए मेरे को। अनबॉक्स करी तू, जल्दी अनबॉक्स करी, प्यार से स्पेशल तेरे लिए भेजा है वो प्रोडक्ट, नहीं चाहिए, रिटर्न कर दे। क्या तरीका अनबॉक्स करने का, लास्ट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट हमें नहीं करना था, फिर भी हमसे करवाया जा रहा है। हमों के लिए स्पेशल भेजा हुआ प्रोडक्ट, मैंने इसको स्पेशली साइड में निकाल के रखा था ताकि इसे हम अनबॉक्स करें। सबसे प्यारा प्रोडक्ट तो यही है बाइक का। तो गाइस ये अपने बाइक के लिए सीट कवर जो लगेगा पिछले वाले सीट पे, जिससे बाइक की लुक एकदम स्पोर्टी होने वाली है और बाइक बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाली है, और पीछे किसी को बैठने के लिए जगह नहीं बचने वाली। शोर मत मचा मेरे वीडियो में। अच्छा मैं नहीं लगाऊंगा, शांत हो जाए, नहीं लगाऊंगा। गाइस देखो ये कैसा लग रहा है प्रोडक्ट, बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही शार्पी है, और इसके तीन वर्जन है। मत बजा आपको जो पसंद है वो आप लगा सकते हो। सो ये एक वर्जन है, अम्मू का फेवरेट ये, और एक वर्जन है ये वाला अच्छा लगा, और हम लोग तीनों लगा के ट्राई करेंगे कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे पर्सपेक्टिव से इन तक पूरा फिनिश दिया है, तो बैठने के लिए थोड़ी है वो, बैठने के लिए नहीं दिया गया, उससे सिंगल सीट वालों के लिए बहुत सही चीज है ये। बेचारे अम्मू अब तो कैसे बैठेगी बाइक पे, दो प्रोडक्ट बाकी, ये दो हमें किचन्स मिले जो काफी प्यारे हैं, और इस पे मैं मेरे घर की चाबी लगाऊंगी। अबे ठीक है, एक मैं बाइक की चाबी को लगाऊंगा और एक तू लग लेना, ठीक है। इसका क्या फायदा है ना गाइस, कि आपकी जो बाइक का हैंडल बार है ना, उसके ऊपर इसे स्क्रैच नहीं आता। अगर आप मेटल का कुछ लगाते हो ना, तो उससे स्क्रैच आता है हैंडल बार पे। सो गाइस हमारे सारे प्रोडक्ट अनबॉक्स हो चुके हैं और मेरे चारों तरफ बॉक्स ही बॉक्स और प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी बॉक्स है, यहाँ भी बॉक्स है, यहाँ भी बॉक्स है, यहाँ पर भी बॉक्स बॉक्स है, और ऊपर तो देखो बेड के ऊपर तो पूरे प्रोडक्ट भरे हुए हैं, और बीच में थोड़ा कचरा गिरा हुआ है उसको इग्नोर कर देना, यहाँ पर नीचे भी कुछ प्रोडक्ट है। तो सारे प्रोडक्ट हम लोग ना एक साथ आपको दिखाते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट आए हुए हैं। सो गाइस फाइनली मैंने सारे प्रोडक्ट ना लाइन में लगा दिया अनबॉक्स करके, और देखो कुछ इतने सारे प्रोडक्ट है, और ये पूरी की पूरी किट है जो जिसे कहते हैं मोटो जीपी रेसिंग किट अपनी R15 V3 के लिए। और ये प्रोडक्ट ना असेंबल होने के बाद और फिट एंड फिनिश होने के बाद बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है बाइक, और बाइक का लुक बहुत ह्यूज लगने वाला है, बहुत बड़ी बाइक लगने वाली है, क्योंकि आप समझ सकते हो पहली अपनी ऑरा कितनी बड़ी दिखती है। और ये सारे प्रोडक्ट ऐड होने के बाद तो भाई लुक एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। सो प्रोडक्ट कुछ चेकआउट करो तुम। अगर आपको चाहिए तो आप विंगलेट लगा सकते हो, अगर आपको चाहिए कि लाइट्स कम आ रही है तो आप ये लगा सकते हो, तो ये टोटली आपकी चॉइस रहती है। और फिर ये वाले लोअर स्पॉइलर, ये अपर स्पॉइलर है बॉडी के, जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और सीट काउल्स अपने पास तीन वर्जन अवेलेबल है, तो तीनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, मेरे तो किसी काम आने वाला है नहीं। और हमारे अम्मू मैडम मुझे बहुत मारे, पागल होगा सीट काउल लगा, ऊपर चढ़ चढ़ के फोटो ले रही है। सो गाइस कुछ ऐसी दिख रही है किट हमारे, और इसमें इतने सारे प्रोडक्ट है जो साइगा पार्ट्स ने डेवलप किए, और ये पार्ट डेवलप करने के लिए उनको पूरे 2 साल लग गए, तो आप समझ सकते हो कि इतना टाइम लगा के अगर कोई प्रोडक्ट बनाया गया है
तो फिर उसकी फिट एंड फिनिश कितनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और ना ये प्लास्टिक के हैं, प्री पेंटेड आते हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और प्लास्टिक का होने का क्या फ़ायदा रहता है ना कि लाइट वेट बहुत रहते हैं, आपकी बाइक में ज़्यादा वेट एड ऑन नहीं होता है, बहुत ही कम वेट के साथ ये सारे प्रोडक्ट आपकी बाइक में ऐड हो जाएंगे। सो गाइज, अपने ऑरा के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट्स अपने पास आ रखे, तो सारे प्रोडक्ट हम लोग इंस्टॉल करने वाले, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी पहले मैं थका हुआ हूँ, तो एक दो दिन में ये मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, सारे प्रोडक्ट ना अपने बाइक पे ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। सो बहुत मज़ा आने वाला है, अपने ऑरा को नया लुक मिलने वाला है, और बहुत वैसे ही बहुत प्यारी दिखती है अपने ऑरा, आप देख ही सकते हो, पर अभी इसका लुक नेक्स्ट लेवल पहुँचने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा गाइज। आई होप गाइज आप सारे वीडियोज़ पे प्यार दिखाओगे। और हमने ना कुछ प्रोडक्ट्स लाए हुए हैं ऊपर से अपने ऑरा पे लगा के देखने के लिए, जिसमें से एक प्रोडक्ट है तो हम लोग सबसे पहले लगा के देखते हैं कि कैसा लुक आता है इसको लगाने के बाद। ओ भाई वाओ, अब लग रही है ना बिग बाइक। और ये वाला सीट कवर कुछ ऐसा बैठने वाला है जो पूरा एंड तक रहेगा, तो लुक कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैं फिट करने वाला हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं फिट करूँगा, अभी सिर्फ मैं देखने के लिए लाया था कि कैसा लग रहा है। ये एक आखिरी पीस जो मैंने लाया था ऊपर से, इस पर लगा के देखो। तो वैसे फिलहाल तो कुछ ऐसा लुक आता है, बट ये लगने के बाद कुछ ऐसा शार्प सा लुक आने वाला है, तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगी बाइक की, फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो गाइज, इस वीडियो को अभी मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, और ये सारे पार्ट्स में मॉडिफाई करने वाला हूँ, तो आई होप आप सारे वीडियोज़ को प्यार दोगे यार, सारे वीडियोज़ पे कमेंट करते रहना, क्योंकि हम लोग करने वाले गिव अवे साइगा पार्ट्स के साथ मिलके, जिनमें ये सारे पार्ट्स है ना एक एक करके मैं अलग अलग तरीके से गिव अवे करूँगा। लाइक एक साथ एक बंदे को दूंगा तो यार वो बाकी लोग के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, तो अलग अलग बंदों को हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट देने वाले, तो हर वीडियो पे कमेंट्स आने चाहिए, और इस वाली सीरीज पे प्यार बहुत सारा आना चाहिए। इस वीडियो को अभी यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।